दोस्तों, रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2019 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इन 16 भर्तियों के फॉर्म जरूर भर लीजिए। दोस्तों, स्टेप वाइज हम आपको जानकारी देंगे कि किन भर्तियों के लिए कब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने जा रहे हैं और कब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और कब इन भर्तियों का एग्जाम होगा। डिटेल्स में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, इन भर्तियों के लिए ऑल इंडिया के मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, कितने भी कैंडिडेट हो वो आवेदन कर सकते हो। 5 लाख से ज्यादा पद खाली है। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी हम आपको डिटेल्स में देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग भर्तियों की अपडेट हम आपको यहाँ पर डिटेल्स में देंगे। सबसे पहले हम आपको लास्ट से शुरू करेंगे, जो 26 नंबर पर है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जाम 2019 Tier 1 के लिए। यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो होगा 12 दिसंबर 2019 को। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एंड से जानकारी देंगे, उसके बाद हम स्टेप वाइज बैक में आएंगे तो हम आपको जानकारी देंगे, जैसे कि 25-4 इस तरह हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले 26 नंबर जॉब की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो 12 दिसंबर 2019 को इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आप तभी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम आपको डिटेल्स में भी जानकारी देंगे कि कैसे आप पर्टिकुलर पोस्ट की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जब से रिलीज होगी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन करने की लास्ट डेट 10 जनवरी 2020 है। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट वाली जॉब है। इसका यहाँ पर आप एग्जाम डेट देख सकते हो, जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी, अभी घोषित नहीं की गई है। उसके बाद जो 25 नंबर पर है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2019 CGL एग्जाम 2019 Tier 1 के लिए यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन जारी होगा वो होगा 31/10/2019 यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को और 28 नवंबर 2019 इसकी अप्लाई ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि होगी। जी हाँ दोस्तों, इसका नोटिस भी आप ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो, वो हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे इस वीडियो के एंड में कि कैसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। उसके बाद जो 24 नंबर पर पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, अलग अलग डिसिप्लिन यहाँ पर दी गई है JEE पोस्ट के लिए। ये एग्जामिनेशन 2019 Paper 1 के लिए, इसका नोटिफिकेशन जारी होगा 1/8/2019 को, यहाँ पर आप देख सकते हो, और 28/8/2019 इस भर्ती की अप्लाई ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि है। एग्जाम डेट इसकी भी अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो 23 नंबर पर पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर Grade C और D एग्जामिनेशन 2019 के लिए। 17/9/2019 को इसकी एग्जाम यहाँ पर नोटिफिकेशन होगी, जो वो अपडेट कर दी जाएगी पोर्टल पर। आप 15 अक्टूबर 2019 तक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसकी भी एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। उसके बाद दोस्तों, जो 22 नंबर पर जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एग्जामिनेशन 2018 Paper 2 की जो डेट है वो यहाँ पर देख सकते हो। आप ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुए थे उसके लिए यहाँ पर एग्जाम डेट दी गई है, 29 दिसंबर 2019। जी हाँ दोस्तों, इनिंग संडे में इसका एग्जाम होगा, यहाँ पर एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों, जो 21 नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2018, इसके लिए भी एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है, 29 दिसंबर 2019 को इसका एग्जाम होगा। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं इसके लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, SI in CAPF या ASI in CISF और SI in दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए भी आप देख सकते हैं, जो Paper 1 होगा उसके लिए यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसकी यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो 17/9/2019 को होगा और इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो 15 अक्टूबर 2019 तक। जी हाँ दोस्तों, 17/9 से 15/10/2019 तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एग्जाम डेट इसकी घोषित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 11 दिसंबर 2019 से 13 दिसंबर 2019 को इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर डिटेल्स पूरी दी गई है। उसके बाद 19 नंबर पर जो कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर
इन सबोर्डिनेट ऑफिस या हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन 2019 पेपर फर्स्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1/8/2019 को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तभी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 28/8/2019 तक आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसकी एग्जाम डेट भी यहाँ पर घोषित हो गई है, 26 नवंबर 2019 को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टी टास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 पेपर सेकंड के लिए एग्जाम डेट घोषित हो गई है, 17/11/2019 संडे को इसका एग्जाम होगा। जी हाँ दोस्तों, 17 नवंबर 2019 इसकी एग्जाम डेट है। उसके बाद जो 17 नंबर पर एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेस, यहाँ पर आप देख सकते हो 7/2018 जो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन इसके लिए 8/7/2019 से मंगाए जाएंगे और इसकी अप्लाई ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 27/7/2019 है। आप इस भर्ती के लिए एग्जाम डेट भी यहाँ पर घोषित कर दी गई है, 14/10/2019 से 18/10/2019 यहाँ पर एग्जाम डेट दी गई है। उसके बाद दोस्तों जो 16 नंबर पर है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जाम 2018 टीयर सेकंड के लिए एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है, 29/9/2019 यहाँ पर एग्जाम डेट है संडे को। उसके बाद दोस्तों जो रिक्रूट SI और SI यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के लिए भी एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है, जो दिल्ली पुलिस एग्जाम 2018 था पेपर सेकंड की 27/9/2019 है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एग्जामिनेशन 2018 पेपर फर्स्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी 2019 से मंगाए जाएंगे। आप 25 फरवरी 2019 तक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एग्जाम होगा इसका 23/9/2019 से 27/9/2019 तक, यहाँ पर एग्जाम डेट भी दी गई है। उसके बाद दोस्तों जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 सेकेंड है टीयर सेकेंड, इसकी एग्जाम डेट भी यहाँ पर दी गई है, 11/9/2019 से 13/9/2019 एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। मल्टी टास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 पेपर फर्स्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 अप्रैल 2019 से मंगाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 22/4 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए, 22/5/2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 22 मई 2019 इसकी अप्लाई ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि है। आप इस भर्ती के लिए देख सकते हो यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो पोर्टल से, वो भी हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। इसकी एग्जाम डेट भी यहाँ पर घोषित कर दी गई है, 2/8/2019 से 6/9/2019 को इसका एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जाम 2018 टीयर 1 के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च 2019 से मंगाए जाएंगे और इसके लिए अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 5/3 से 5/4 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एग्जाम डेट है 1/7/2019 से 26/7/2019। उसके बाद दोस्तों जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2018 टीयर फर्स्ट था, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पिछले साल 2018 में मंगाए गए थे, आप यहाँ से देख सकते हो। इसकी एग्जाम 2019 में होगा 4/6/2019 से 19/6/2019 को इसका एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो प्रीवियस एग्जाम था 2018 में, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम डेट 26/5/2019 तय की गई है। उसके बाद जो यहाँ पर और भी एग्जाम दिए गए हैं उनकी एग्जाम डेट यहाँ पर घोषित नहीं की गई है, जैसे कि यहाँ पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी स्टेनोग्राफर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ये 2018 के लिए है, इनकी एग्जाम डेट यहाँ पर घोषित नहीं की गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो SI और यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो CISF और CAPF और दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन के लिए है, इनके लिए 2018 में ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे, 12 मार्च से 16 मार्च एग्जाम डेट है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कांस्टेबल GD के लिए जो यहाँ पर पिछले साल 2018 में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए गए थे, इसकी डेट 11 फरवरी से 11 मार्च 2019 एग्जाम की। जी हाँ दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रेड CFD के लिए एग्जामिनेशन डेट 5 फरवरी 2019 से 7 फरवरी 2019 है। एग्जामिनेशन फेस सिलेक्शन की यहाँ पर डेट कंप्लीट हो चुकी है, एग्जाम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये था पूरा SSC का पूरा भर्ती कैलेंडर, SSC एग्जाम कैलेंडर है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2020 तक की सभी एग्जाम डेट यहाँ पर घोषित कर दी गई है, और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर डेट भी पूरी दी गई है कि किस डेट में आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और साथ साथ किस डेट में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट यहाँ से चेक कर सकते हो, सेंटर में दी गई है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन और क्लोजिंग डेट यहाँ पर डेट ऑफ एग्जाम दी गई है, पूरा आप यहाँ पर डिटेल्स में चेक कर सकते हो।
तो दोस्तों ये था पूरा भर्ती का एग्जाम कैलेंडर। अगर आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, या फिर आपको ये एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ डाउनलोड करनी है इस कैलेंडर की, तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पेज पर पहुंचकर इस पेज से भी आप इस भर्ती की पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। ये भर्तियां कब से होंगी और कब इनका एग्जाम होगा, पूरी डिटेल्स यहाँ पर भी अपडेटेड है। आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप पूरी चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हो एसएससी कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर 2019-20 पीडीएफ का यहाँ पर लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से पूरी भर्ती का कैलेंडर चेक कर सकते हो। उसके बाद यहीं पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जैसे आप इस पर विजिट करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो एसएससी का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी भर्ती के लिए आपको अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है, यहाँ पर डेट दी गई है, जैसे कि यहाँ पर 1 फरवरी 2019 को जूनियर इंजीनियर की नोटिफिकेशन रिलीज होगी, तो आपको यहीं पर लेटेस्ट न्यूज सेक्शन के अंतर्गत ही आपको जूनियर इंजीनियर के लिए लिंक यहां पर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो एग्जाम कैलेंडर के लिए भी यहां पर लिंक दिया गया है, ऐसे ही आपको यहां पर नोटिफिकेशन का लिंक दिया जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ जैसे कि यहां पर एग्जाम डेट भी दी गई है, आप यहीं से इनकी पूरी डेट वगैरह पूरी नोटिफिकेशन से ही चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ ऑनलाइन करने के लिए लिंक आपको यहीं पर दिया जाएगा, आप यहीं से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। नहीं तो यहां पर आपको राइट साइड में लॉगिन का सेक्शन दिया गया है, इस सेक्शन के अंतर्गत आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना है। नहीं तो अगर आपने इस पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको सबसे पहले अप्लाई की टैब यहाँ पर दी गई है, इस टैब पर क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है कि कब से इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। आप यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 22 अप्रैल 2019 से इसका नोटिस यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज सेक्शन के अंतर्गत ही इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और अप्लाई भी ssc.nic.in, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, आप इसी पोर्टल से इस भर्ती की नोटिफिकेशन, सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और सभी भर्तियों के लिए आप यहीं से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों, अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी सिंपली यहीं से कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।